नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा DHOS, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के समय में भी लोग अपनी बीमारी को बताने से डर रहे हैं, शर्माते हैं, झिझकते हैं, परंतु आज का समय जो है वो छुपाने का नहीं है, बीमारी को खुलकर बताने का है ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। जबकि लोग क्या करते हैं, आजकल जगह जगह जो पोस्टर लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे पोस्टर हैं, बड़े बड़े टेंट लगाकर अपनी दुकानें चला रहे हैं कि यहाँ पर गुप्त रोगों का इलाज किया जाता है। आप समझ गए होंगे मैं गुप्त रोगों के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो गुप्त रोग किसी भी को भी हो सकता है, इसमें शर्माने या झिझकने की कोई बात नहीं है, खुलकर बताने से ही प्रॉपर इलाज हो पाता है। और गुप्त रोग कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको छुपाया जाए, कई तरह की तकलीफ हो सकती है। किसी को अर्ली डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत जल्दी वीर्य निकल जाना, समय ना लगना, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आ गया, यानी पूरा तनाव नहीं आता, इच्छाएं कम हो जाती हैं, वीर्य में पतलापन आ जाता है, स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु कम हो जाते हैं, और हमारी वाइटल फोर्स यानी कि स्टेमिना जो है हमारा वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर इस तरीके के गुप्त रोग हो जाते हैं। तो ये गुप्त रोग मेनली बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने के कारण हो सकते हैं। वो टेंशन घरेलू भी हो सकता है, जॉब का भी हो सकता है, और बिजनेस का भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरह का मानसिक तनाव ज़्यादा रखने की वजह से अक्सर गुप्त रोगों की शिकायत हो जाती है। क्योंकि देखिए, आजकल जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है जिसमें किसी के पास समय नहीं, ना तो अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ना अपने सोने का जागने का कोई टाइम टेबल बना के रखते हैं, तो मेनली जिसकी वजह से अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो गुप्त रोगों से बचाव के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो अपना जो रहन सहन है उसमें थोड़ा बदलाव लाएं, यानी समय पर सोना, समय पर जागना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये बहुत अच्छा रहता है माइंड के लिए भी। क्योंकि जब माइंड पूरा कंसंट्रेट रहेगा तो वो प्रॉपर काम कर पाएगा और सेक्स का ऑर्डर भी करेगा। और जब नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाता है किसी भी तरीके से, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो स्वाभाविक है हमारी नसों पर भी पूरा मजबूती आती है, जिसकी वजह से सेक्स प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा लें, हो सके तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी करें, और रात को सोने से पहले गर्म दूध का सेवन ज़रूर करें। क्योंकि इन चीज़ों को लेने से हमारा शरीर, हमारा दिमाग सब प्रॉपर पुष्ट रहेगा, और जब प्रॉपर काम करेंगे तो स्वाभाविक है गुप्त रोग नहीं बनेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद अगर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो मैं एक होम्योपैथिक की दवा बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया दवा है। दवा का नाम है ब्रिफा एक्स प्लस BC27। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मूलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है और परमानेंट सॉल्यूशन है। क्योंकि होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, बहुत बढ़िया दवा है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285742000।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।